और कहीं रणधीर ने गुस्से में आकर ये सब? नहीं उदय, तू भी रणधीर को गलत कह रहा है। रणधीर गुस्से में किसी के हाथ पैर तोड़ सकता है, किसी को बुरा भला कह सकता है, पर इतना बड़ा पाप वो कभी नहीं कर सकता है। अश्मा, मैं रणधीर को मुजरिम नहीं कह रहा हूँ, मैं रणधीर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन लेकिन अश्मा सबूत तो है ना, वो बटन एक सबूत है, परजाई जी का रणधीर को देखना एक सबूत है, भानुवीर जी का रणधीर को देखना एक सबूत है, रणधीर की दी हुई भाभी जी को धमकी एक सबूत है। अश्मा, अश्मा मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं। परजाई जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप ये शिकायत वापस ले लीजिए। देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई रणधीर के कपड़ों में आपके कमरे में घुसा है, कोई ऐसा जो रणधीर को सचमुच फंसाना चाहता हूँ। बस कर अमृत, बस कर, तेरा उस गलत बंदे से दिल लगाना ही गलत था। देखा, देखा कैसे बर्बाद कर दी उसने हमारी जिंदगी। अमृत, मुझे अपना समझ के इतने अच्छे घर में तेरा रिश्ता कराया, देखना उस रणधीर ने ना सब बर्बाद कर देना। अभी वक्त है, संभल जा, उस पराए मर्द की जगह अपने पति पर ध्यान देने तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं पड़ जाएगी रन, चल यहां से, दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। नहीं वीर, खबरदार अगर मुझे वीर जी कहा तो, जो लड़की घर वालों के बजाय बाहर वालों पे भरोसा करे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता मैं। इससे अच्छा तो यही होता कि तू हमारे पास वापिस ही ना ही होती। चलो, और तुम दोनों भी चलो यहां से, हमें कोई एहसान नहीं लेना इस राजघराने की बहू से। वीर जी, इस वक्त आप बहुत गुस्से में, मेरी बात तो सुनो। आप लोग चलिए, मैं अमृत के साथ थोड़ी देर में आती हूँ। नहीं वशमा, तू जा, मैं ठीक हूँ। अरे अभी अभी शादी हुई है तेरी, तू इन सब में मत पड़। वैसे भी रानी माँ देखेंगी तो 10 सवाल पूछेंगी, अपना ख्याल रखना। मेरी इस हालत का जिम्मेदार ये है, मेरी लेकिन लेकिन जनाब मैंने कुछ नहीं किया है। चलिए जनाब, भाभी बताइए ना, मैंने कुछ नहीं किया। अमृत, वीर, माफ कीजिएगा, और हमसे आपकी ये हालत देखी नहीं गई। हम समझ सकते हैं कि आप पे क्या बीत रही होगी, कितना मन गया होगा आपका चीख चीख के रणधीर की सफाई देने का, उसे निर्दोष साबित करने का, और सबके सामने अपने दिल पे पत्थर रख के आपको चुप रहना पड़ा। हमारी मजबूरी देख के हम भी थोड़ा संजीदा हो गए, और जज्बात में आके आपको गले लगा लिया। कोई बात नहीं, पर वीर साहब, आइंदा याद रहेगी, दोबारा ऐसी गलती ना हो। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम रणधीर को कुछ नहीं होने देंगे। अगर ये साबित करते कि जिस वक्त ये हादसा हुआ तब रणधीर वहां ने हमारे घर से बहुत दूर उसी सड़क पर थे, तो वो बरी हो जाएंगे। वीर, क्या आप मेरी रणधीर से मिलने में मदद कर सकते हैं? कितना प्यार, कितना भरोसा है आपको रणधीर पे। सच कहें तो ये देख के हमें थोड़ी सी जलन हो रही है कि हमारी जिंदगी में ऐसा कोई क्यों नहीं है जिसे हम पे इतना भरोसा हो। आप फिक्र मत कीजिए, हम जरूर आपकी मदद करेंगे, पर एक बात बताइए हमें, भगवान ना करे आप अपनी जिंदगी में कभी एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो जाएं जहां पे आपको रणधीर के भरोसे की जरूरत होगी, तो क्या रणधीर आप पे भरोसा कर पाएगा? वो
वो इससे भी ज्यादा भरोसा करेंगे मुझ पर। जरूर मदद करेंगे हम आपकी। शुक्रिया। जब तुम्हारी नजरों के सामने हम अपने मकसद में कामयाब होंगे जरूर भरोसा होगा। आपके तो कपड़े बिल्कुल खराब हो गए खत्म सिंह। कभी कभी दूसरों को रास्ते पे लाने के लिए खुद भटकना पड़ता है। छोटे भाई कितना जच रहा है आप पे ये कलर। एक मिनट कॉलर सीधा कर दें। सबूत है मेरे पास। वीर एक एक करके जाल बुनता चला गया और मैं हर बार उसी जाल में फंसता चला गया। मुझे किसी भी तरह अमृत से मिलकर उसे सावधान करना होगा। मुझे उसे वीर के बारे में बताना भी होगा और उसे बचाना भी होगा। पर कैसे? मुझे हर हाल में अमृत से मिलना होगा। कितना अच्छा लगता है जो हमने सोचा जब कामयाब हो जाए। ओह माय गॉड। आप एक काम कीजिए पापा, इसी बात पे मिठाई खाइए, मुंह मीठा कीजिए आप। हमने जो जो सोचा है ना वो सब कुछ हुआ। रणधीर की गाड़ी खराब हुई, हमने रणधीर की जैकेट से बटन तोड़ा, भानु और सरोज की आंखों में धूल झोंका। इस कहानी में सब कुछ है साहब। इस कहानी में आंसू, दर्द, धोखा, फरेब, ओह, और साथ में थोड़ा सा प्यार। रणधीर अमृत से मिलना चाहता है। हाँ तो अमृत भी रणधीर से मिलना चाहती है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि रणधीर को हम पे शक हो चुका है। ऐसा हुआ तो रणधीर उसको सब कुछ बता देगा और अमित का शक जो है वो विश्वास में बदल जाएगा। तो हम एक काम करते पापा, हम उन दोनों की मुलाकात करवा देते हैं, क्योंकि दो प्यार करने वालों को मिलाना पुण्य का काम होता है और हमें तो पुण्य की जरूरत है। गजब की थी वो लाली, गजब की थी वो सुर्खी, वो उड़ती हुई पतंगे मुंडेरे थी वो घर की। न जाने क्या हो रहा है, मेरा मन रो रहा है। निशान चेहरे के है ये, तू दर्पण दर्पण धो रहा है। ज्यादा दिन खुद से दूर नहीं रहने दूंगी मैं आपको रद्दी। मैं आपसे वादा करती हूं, मैं आपको बेगुनाह साबित करकर वहां से जल्दी निकाल लाऊंगी। फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कबूल
कबूल है। हाय मेरे सच्चे रब, आपने मेरा मेरी वशमा से ब्याह करा दिया। वो किन्नी सोहनी लग रही है, मेरी दुनिया की सब तो सोहनी कुड़ी। मेरा ये चंद तो उस चंद तो भी कहीं ज्यादा सोहना है। सच्ची तू उठ गई? मैंने लग गया तू अजे भी सो रही है। सो ही रही थी, और तुझे पता है बहुत सुकून की नींद सो रही थी, क्योंकि मेरा उदय मेरे इतने पास जो है, फिर तू मुझे देखने लगा और मेरी नींद खुल गई। ओए, मैं तेरी वशमा हूं, और तेरा ये हक है कि तू जब चाहे तब अपनी वशमा को देख सकता है, और मेरा ये हक है कि मैं जब चाहे तब अपने उदय को देख सकती हूं। पर एक बात बता, तू देख क्या रहा था? क्या कर रहा है? वो जिंदगी ने इतने इम्तिहान ले लिया ना, ऐसा लग रहा है कि कहीं ये सपना तो नहीं है। सपना तो अब जाके पूरा हुआ है, और अब हम सचमुच सच में जी रहे हैं, जिसमें मैं तेरी हूं और तू हमेशा हमेशा के लिए मेरा है। तू हम उस सच्चे रब का जितना मर्जी शुक्रिया कर लेना कम है। इतरा इतरा ओए 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 वशमा ओए ओए की हुआ उदय? काश अमृत और रणधीर भी हमारे तरह खुश होते। रणधीर का मामला बड़ा ही पेचीदा हो गया, सारे सबूत उसके खिलाफ है, ना जाने रणधीर को कैसे बेगुनाह साबित करेंगे। हमें उनसे जाके मिलना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आरोप है। दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और ये मर जाने अखबार वाले लिखते हैं नलिनी देवी की पीए पर लगा आरोप एक औरत से छेड़छाड़ करने का। अरे कोई जाके इनको बताओ कि सिर्फ छेड़छाड़ नहीं किया, रणधीर ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। उस दिन अगर आप वक्त पे नहीं होते ना, तो पता नहीं क्या हो जाना था जी। भरजाई जी, जब अमृत ने कहा है वो सच का पता लगा लेगी, तो उस पर थोड़ा भरोसा तो रखिए, वो लगा लेगी सच का पता आप। हाँ परजय जी, आप बैठिए, मैं चाय बना के लेके आती। रुक, कोई जरूरत नहीं है तुझे रसोई में जाने की, और रसोई के सारे काम ना मैं खुद कर लिया करूंगी। तू सिर्फ अपने कमरे में और बरात में आ सकती है, बाकी पूरे घर में घूमने फिरने की कोई जरूरत नहीं है। परजय जी, आप सरोज, तेरे दिमाग में भेदभाव की बातें कब से आने लगी? पहले से, और अब बंटवारे के बाद ना और ज्यादा आने लगी। अगर मेरे बस में होता ना, तो मैंने इन दोनों का ब्याह नहीं होने दिया होता, लेकिन अब जब हो गया है तो हद से ज्यादा जगह ना घर में मिलेगी और ना दिल में। और वैसे भी 4 साल हो गया है, पता नहीं इन 4 सालों में ये कहां कहां किस जगह पर रहकर आई है। मैंने अपने घर को अपवित्र नहीं होने देना। उसने कहा ना वो अमृतसर में थी। हमें क्या पता जी, हमें क्या पता कौन कितना सच बोल रहा है। छोड़ ना उदय, ये सब तो होना ही था,
अब अपने मिलन की इतनी सी भी कीमत चुकानी पड़े तो सौदा महंगा नहीं होगा। अब हमें यह सब सोचने की बजाय अमृत और रणधीर के बारे में सोचना चाहिए। जनाब मैं बेकसूर हूं जनाब। देखिए रणधीर, गलती अच्छे अच्छों से हो जाती है। आप हमारे अपने हैं, इसीलिए आपको समझा रहा हूं। कबूल कर लीजिए गुनाह को, दस्तखत कर दीजिए कबूलनामे के ऊपर। मैं अदालत में कोशिश करूंगा आपको कम से कम सजा होगी। लेकिन जनाब आप मेरा यकीन करें, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। जनाब बस आप, बस एक बार आप मेरे, मेरे कहने का मतलब ये है कि बस आप मुझे एक बार बहू रानी से मिलवा दीजिए, क्योंकि वो कल जिस तरह से बात कर रही थी मुझे लगता है वो मेरी मदद कर सकती। जनाब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, बस एक बार आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया जनाब। जाइए मिल लीजिए रणधीर से। हर बार मैं जितना सोचती हूँ उससे कहीं ज्यादा अच्छा करते हैं आप मेरे साथ। अगर आपकी जगह कोई और होता ना वीर, तो मुझे कभी यहाँ उनसे मिलने लाता ही नहीं। पापा एक बार मिलने दीजिए इसे रणधीर से। अरे पर वो तो पूरी रात सोया नहीं है, अभी अभी उसे दवा देकर सुलाया है। आप बाद में आ जाना। नहीं मैं बस थोड़ी देर मिलना चाहती हूँ। मुझे बेटा अभी संभव नहीं है, आप समझ सकते हैं ना, कायदे कानून सबके लिए एक होते हैं। पापा हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि रणधीर निर्दोष है, कुछ तो कर सकते हैं ना हम। क्या करें? क्या कर सकते हैं ये तो पता नहीं। परसों अदालत में पेशी है रणधीर की, उससे पहले अगर कोई सबूत मिल जाए जो उसकी बेगुनाही साबित कर दे तो शायद वो बच सकता है। हमारे पास बस आज का और कल का दिन है, नहीं तो कम से कम 5 साल की सजा तो तय है। अमृत संभालिए अपने आप को, हम सब कुछ न्योछावर कर देंगे पर रणधीर को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। क्या पापा 1.5 दिन? कल की तारीख क्यों नहीं ली? कान तरस रहे इसकी सजा सुनने के लिए। 1.5 दिन की बात है, उसके बाद तो सजा तय है ना। 1.5 दिन में क्या वो सबूत, कौन सा कवर ढूंढ लेगा वो भिखारी जो देख भी नहीं सकता। कैसे साबित हो पाएगा कि रणधीर बेगुनाह है? नहीं 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 भगवान जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप इतने निर्दय नहीं हो सकते। आपको आपको हर हाल में मेरी मदद करनी पड़ेगी। संभालिए संभालिए अपने आप को अमृत, कुछ नहीं होने देंगे हम रणधीर को, कुछ नहीं। चलिए रणधीर। जनाब कोई आया? हमने आपकी बात राजमहल तक पहुंचाई थी लेकिन कोई नहीं आया आपसे मिलने। कोई भी नहीं आया मिलने? नहीं। कोई बात नहीं, शुक्रिया। अमृत भी नहीं आई मिलने? जरूर कोई खेल खेल रहा है वीर अमृत के साथ। खुद से ज्यादा मुझे अमृत को बचाना है उससे। किसी ना किसी तरह मुझे अमृत तक यह संदेश भेजना होगा। जनाब, अरे जनाब, रणधीर, आइए। ठीक है जी, बस जनाब थोड़े से चक्कर आ गए थे अभी। ठीक है आप आराम कीजिए, यहाँ पर हवा खाइए। ठीक है जी, शुक्रिया। Thank you.
ये सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि वो पर्दा है जो उठते ही तुम्हारे झूठ और फरेब को सबके सामने लाएगा। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ कुंवर वीर प्रताप सिंह। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।